एमईए के मुताबिक के नंदिनी सिंगला को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। एनसीआरबी के मुताबिक देश में रोज हुए 87 दुष्कर्म, 7.30% बढ़े महिलाओं के खिलाफ अपराध। प्रियंका गांधी ने कहा, जो लाठियां हम पर चली, काश वो हाथरस की बेटी की रक्षा के लिए चलती। ओडिशा विधानसभा के पास बेटे ने अपनी मां की गर्दन पर रखा चाकू, मचाया खूब हंगामा। राहुल गांधी के साथ हुए व्यवहार को लेकर शरद पवार ने योगी सरकार को निशाने पर लिया। भारत पहुंचा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अवैध किला एयर इंडिया वन विमान। संसद और विधान सभाओं में भी बैठे हैं दुष्कर्म के आरोपी। उत्तर प्रदेश के 143 माननीयों पर सबसे ज्यादा मुकदमे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल कोरोना वायरस से संक्रमित। स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण, लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्य को बेधा। सीआरपीएफ जवानों ने दौड़ने का बनाया नया रिकॉर्ड, 47 दिनों में तय की 1.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी।